तो हेलो पब्लिक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सो उम्मीद सब फिट फाट होंगे। सो आज हम आ गए एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले के साथ, और इस गेम प्ले की सबसे ख़ास बात जो है ना, वो आपको एंड में दिखेगी। जो प्लस मिले थे हमें भाई साहब, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतनी ज़्यादा मिल सकते हैं। बट लास्ट मैंने कोई अभी रिसेंटली कोई एक वीडियो डाली थी जो डोमिनेटर की थी, वो भी मेरे एक फ्रेंड अकाउंट से था जिसका मैं कॉन्करर कर रहा था। सो उसमें हमने कोई एस डोमिनेटर लॉबी में 43 प्लस किए थे। सो उस हिसाब से आई थिंक इतना बनता है, बट इतना भी नहीं बनता जितना हमें मिला इस गेम में। सो आपको एंड पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमने उतरते साथ जो है ना, दो बंदे मार चुके हैं अपने विक्टोर से, और आगे जो है मुझे फाइट के साउंड आ रही थी। सो मैंने बोला चलो चलते हैं, एक दो बंदे मारते हैं। तो जैसे ही मैं नज़दीक जाता हूँ, मुझे सामने जो एक स्क्वाड दिखती है और प्रीमियर टीपी लेने लगता हूँ, इतने में मेरे राइट साइड पर भाई साहब एक और स्क्वाड आ जाती है। भाई मैं सीधा दुड़की लगाता हूँ और भाग जाता हूँ पीछे। यहाँ से चले जाते हैं मेन अपना बिल्डिंग में, और इधर एक बंदा जो है ना विंडो से निकल के अंदर भाग रहा होता है, इसको मैं नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे वो बाहर निकलता है उसे फिनिश भी डाल देते हैं। और इसके अलावा भी जो है ना कुछ बंदे होते हैं, यहाँ मेरा टीममेट अंदर जाता है और डायरेक्ट जो है ना उसे राइट से पड़ती है और वो हो जाता है नॉक। और उसके बाद जिसने इसको नॉक किया ना भाई साहब, वो स्पीड में आके फिनिश भी कर जाता है। और यहाँ मैं उसे लो करता हूँ बट वो नॉक नहीं हो पाता। इतने में जो उसका टीममेट है वो जो है ना मेरे पे थोड़ी देर में रश कर देता है। यहाँ मैं इसको नॉक करता हूँ और डायरेक्ट जो है यहाँ पे कर देते हैं इसको फिनिश। और फिनिश करने के बाद सामने शील्ड बनी थी, तो मुझे लगता बंदा इधर ही था, तो मैंने मोलो निकाली और इस साइड पे थ्रो कर दी। यहाँ अच्छी खासी फाइट हुई थी, और मतलब फाइट वाली बात है, लो वाली। वो और मुझे लो कर रहा था, मैं उसे लो कर रहा था, इस तरह की फाइट हो रही थी। सो फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक डुआ आ जाता है, इसको मैंने पहले को तो नॉक किया। दूसरा जो एच पे टीपी ले रहा था, सो मेरे पे 47 डीपी बुलेट थी, मैंने सारी की सारी खोल दी और एक नॉक तो हो गया। बट ये मैंने गलती की थी, आगे देखना क्यों। अभी यहाँ मैंने वो किया, मुझे पीछे से फुटस्टेप आई, अब फुटस्टेप चेक करो कितनी आ रही है, पीछे से आ रही हैं, आगे भी फायर हो रहे हैं। सो मैंने बोला कि भाई अपने किल फिनिश करते हैं जो होगी देखी जाएगी। तो जैसे ही ये धुआं हटता है मेरे आंखों के सामने से, सामने बंदा होता है मुझे मोहसिन मारता है, तो मैं इधर ही बैठ जाता हूँ कि भाई चल तू मार ले। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर किसी ने अजीब तरह से मारा, या तो कैम्प करके मारो या ऊपर से मारो, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको छोड़ के ओपोनेंट को जाए किल दे देता हूँ कि ले भाई तेरी सजा। सो यहाँ पे जो है ना ऊपर से आ गए थे, 7 किल एक बोटा मार दिया था। और अभी जो ये स्क्वाड अभी लैंड हुई है ना, इसका एक बंदा हम पहले ही मार चुके हैं जो कि पैराशूट से लैंड हुआ था। सो उसका हम पहले ही मार चुके हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे दो बंदे, सो इधर एक को मैं लो करता हूँ और मैं जो है ना डायरी रश कर देता हूँ। ये ब्रोकन रोड के पीछे भी एक बंदा होता है और एक बंदा अभी लो के घर में भाग गया। सो जैसे ये मुझे जो है ना सैंडविच करने की ट्राई करते हैं, मैं बाहर वाले को जल्दी से नॉक करता हूँ और डायरेक्ट फिर अंदर वाले को मारते हैं। इस तरह हमारा 1v2 हो जाता है ईजी पीजी। सो इस अकाउंट का वैसे एस हो चुका है, हमने कोई 2 दिन में शायद एस किया या कि 3 दिन में टोटल। सो यहाँ पे ये नॉक बंदा पड़ा था, इसको अपार्टमेंट वाले ने नॉक किया था। अभी इनको जो है ना हम सही से लेंगे, देखना अभी मेरे टीममेट की एचपी लोग कितनी लो करेंगे। बहुत गंदा स्प्रे दे रहे थे ये लोग, बट इनसे बदला लेंगे वो भी गंदी स्प्रे के साथ। सो अभी यहाँ पे जो है ना वहाँ से बच गए और इधर आ गए थे कंपाउंड में, यहाँ जोन भी था और तो हिल शिल भी वो कर ले। सो जैसे हम यहाँ पे आते हैं, पीछे साउंड आती है कि भाई साहब पीछे जो है बगी आ चुकी है, बट साउंड ये नहीं आई कि भाई रुकी है कि नहीं रुकी। तो हमने जो है ना, मैं डायरेक्ट जो है ना बगैर रुके सीधा जो है ना सामने स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग्स में बिल्डिंग जंप मारता गया। तो यहाँ पे आता हूँ और मैं इधर तो जो है ना टीपी लाना शुरू करता हूँ कि भाई कंफर्म करूँ कि बंदे रुके हैं कि नहीं। सो यहाँ पे हम थोड़ा टैप टैप फायर करते हैं कि भाई हम यहाँ पे अपनी पोजीशन देते हैं, बट वो सामने वाला नहीं देता। थोड़ी देर बाद तो बंदा जैसे भाग के आता है, सो यहाँ पे जो मैं उसे करता हूँ लो, और जैसे ही वो लो होता है मैं साथ वाली बिल्डिंग में जंप मारता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा करेक्टर स्टक हो जाता है, फिर मैं जंप मार के साइड पे आ जाता हूँ। ब्रोकन वॉल के थ्रू मुझे एक बंदा देख रहा होता है, उससे मैं नॉक करता हूँ। और यहाँ पे जो वेयरहाउस वाला बंदा होता है, जैसे ही सामने आता है अपना शीत होने के लिए, ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई मैं इधर हूँगा, बट सरप्राइज। तो इसे जो यहाँ पे मैं फिनिश करने आता हूँ, मैंने बोला चलो आल पे जो ना तफरी लगाते हैं। 2 ही बंदे होंगे बगी में आए थे, सो ये 2 नहीं थे 3 थे। तो जैसे ही मैं इसके पास आते हैं, बोलते हैं भाई हम तो टीम अप करने आ रहे थे, आप क्यों मार रहे हो? तो मुझे समझ ही नहीं, अच्छे खासे फाइट हो रहे थे, वो ब्रोकिन वाला बंदा मुझे मार रहा था, सो ये किस तरह का टीम अप हुआ? सो मैंने इसे छोड़ दिया, बोला भैया हम आपकी टीम से फाइट लेना, अगर हमें मार दिया तो आप रिवाइव ले लो, नहीं तो मर ही गया वैसे भी। सो पहले मैंने यहाँ पे नेट थ्रो किया क्योंकि बंदा मैंने उस साइड नॉक किया था, सो रिवाइव होने भी दारी बात है, उसके आसपास ही होगा। सो 2 नेट थे, मैंने दोनों थ्रो कर दिए। तीसरा स्मोक था, सो मैंने पिन किया, जब पता चला तो मैंने अनपिन कर दिया। सामने रश करते हैं, यहाँ पे मेरे टीममेट को जो एक बंदा स्प्रे देता है और फिर ड्रॉप शॉट मारते हैं, वो भी थोड़ी सी लेट है। देखो ड्रॉप शॉट भी मतलब आधे घंटे बाद ड्रॉप शॉट मार रहा हूँ, क्या बात है। और जो लास्ट बंदा होता है वो ब्रोकन रोड के पीछे होता है, जिसको मेरा टीममेट ले जाता है। सो इस तरह हमारा 2v3 हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना हम आराम से अभी वो करते हैं अपना, इन्हें लूट करते हैं। और लूट करने के बाद जो टीम है अपार्टमेंट्स वाली, वो जो है ना आ जाती है क्योंकि जोन आ चुका है। सो उनकी पहली फाइट हो गई, आप देख सकते हो किल में से उनका नाम आ रहा होगा। यहाँ पे जैसे मुझे जीप दिखती आती हुई, सो यहाँ पे 6x से जो है ना उन्हें डैमेज देते हैं। लाइट ही देखो यार, मतलब ग्लेशियर का यही तो मज़ा है। सो इधर मैं गिरा देता हूँ और मेरा टीममेट जो है, जो उसका ड्राइवर होता है, उसे गिरा देता है। और फिर जो है ना मुझे एक बंदा दिखता है, मतलब
ऐसे दिखता है कि भाई कोई है अंदर से, मैं टैप टैप देता हूँ सो वो बंदा ही होता है और उसे जो ना हेड लग जाती है, आई थिंक ऑफलाइन होगा। सो यहाँ पे तीन ही होते हैं, सो इसको भी 2v3 हो जाती है। अभी ये वाली फायर जो गई है वो मतलब यहाँ पे तकरीबन समझ जाओ कि 3 से 4 स्क्वाड्स हमने कोई जो है ना फाइट हुई यहाँ पे। सो पहले जो है ना हमारे पीछे हमें जीप जी स्नाइपर था, हमने बोला कि भाई सामने कंपाउंड में ले लेते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही हम आए तो वहाँ भी एक स्क्वाड थी, सो हम जो है ना ये दरख्त ही मिला हमें, सो इधर आ जाते हैं, हमने हील की, इतने में जो हमारे सामने वाली स्क्वाड है उसको जो है ना स्नाइपर टावर से पड़ने लगी है। देख रहे हो किल मैसेज या निशान के जो भी है निशा, इस भाई ने जो है ना इनकी लेना शुरू कर दी दोनों को। आप किल मैसेज देख रहे हो, सामने टीममेट को बोला कि भाई ओपन में ही रश करते हैं और घुस जाते हैं, क्योंकि भाई सामने वाले पहले ही पैनिक हो चुके हैं, पीछे से पड़ी है आगे से हमें, तो जो है ना सीधा घुसने वाली करते हैं। इतने में जो है ना एक में क्लेरन आ जाती है डुओ की और वो भी घुमा के पीछे से आती है, सो इतने में जो है ना मैं एक को नॉक कर देता हूँ यहाँ पे और दूसरे को लो करता हूँ और वो किल जो है ना मेरा टीममेट ले जाता है। तो यहाँ पे एक डुओ तो वाइप हो चुका है बट अभी भी 2 या 3 स्क्वाडें रहती हैं। सो सामने वाले कंपाउंड वाले स्क्वाड के एक बंदे को मैं जो हूँ नॉक फिनिश डाल देता हूँ और बाकी जो बंदे होते हैं तो मैं यहाँ पे पहले बूस्ट करता हूँ, मेरा टीममेट जो है क्लोजिंग करता है, मैं उसको अभी देखो वो बंदा भी नॉक हुआ जिसने पहले AWM चलाई थी। सो स्नाइपर टावर के पीछे जो पेट्रोल पंप है ना वहाँ पे भी एक स्क्वाड आ चुकी है। सो इन टोटल 4 स्क्वाड के बंदे थे, एक डुओ मर चुका है, 3 स्क्वाड अभी भी बाकी है। सो यहाँ पे मेरे टीममेट को सामने से पड़ी थी, सो मुझे सारी बातें पता है कि भाई वो स्टेयर्स के साथ होगा। सो यहाँ पे नेट कॉल करता फ्लिक्स करता हूँ और फ्लिक करता हूँ और वो बंदे पड़ जाता है। अभी यहाँ पे एक बंदा ऊपर होता है जैसे फर्स्ट स्टेप से मुझे दिखता है, यहाँ मैं उसे मार रहा हूँ, मेरा टीममेट बिल्कुल मेरे पीछे चिपका हुआ है ग्रेनेड लेके। सो मैं चला जाता हूँ कि भाई चलो तू नेड मार दे, बट उसने नेड भी कैंसिल कर दिया और अच्छी खासी मतलब 2 सेकेंड की फाइट को इसने 1 मिनट का बना दिया। सो इधर ये बंदा भागी जा रहा था, ये बंदा पता नहीं कहाँ से निकला, इतने क्राउची मारी टिकटॉक स्टाइल में, बट इसे जो यहाँ पे नॉक करते हैं और जो इनका थर्ड बंदा होता है उसी मार देते हैं। सो यहाँ पे मेरा 1v4 हो जाता है और इतने में जो है ना पीछे जो स्नाइपर टावर वाले डुओ था वो भी जो है यहाँ पे रश कर देता है। सो मैं पीछे ब्रोकन वॉल पे आ जाता हूँ और मेरे टीममेट पे वो लोग नेड मार देते हैं। सो उन्हें नहीं पता होता कि मैं यहाँ पे हूँ बट अभी पता चल जाएगा, तो यहाँ मैं उसे मारता हूँ बट वो लो नहीं होता। इधर एक दो गोलियाँ लग जाती हैं और फिर मुझे बंदे की फर्स्ट बात है कि बंदा आ रहा है, सो मैंने अभी शील्ड बना दी, अगर ये शील्ड ना बनाता सो इसकी बुलेट जो है ना वो लगती सीधा मेरे हेड पे। सो शील्ड से बड़ा काम हुआ, सो पहले मैंने एक को नॉक किया फिर दूसरे को इजी पीजी ले जाते हैं। हेल्थ भाई इतनी कोई गंदी, तो भाई इसी तरह मौत को चूके टक से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अपनी फर्स्ट एड लगाई और फर्स्ट एड लगाने के बाद लास्ट आप बंदे देख सकते हो कितने रह गए, कितने रह गए, 6 रह गए कि 8 रह गए पता नहीं भाई, मैं पीसी पे एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसका ऊपर किल बिल्कुल नहीं दिखता मुझे, किल कितने क्या सीन है। तो फिलहाल ये जीप जा रही होती है इसमें बड़ा लो करता हूँ बट एंड में मेरा टीममेट्स पे रहता है और गाड़ी पौड़ के जो है मेरा किल ले जाता है। और इतने में जो है ना सामने में कोई बंदे स्पॉट होते हैं फायर करते हुए, सो इधर जो है मैं इसको टैप टैप मारता हूँ। अभी मेरी MS जो है ना थोड़ी सी, क्योंकि मिडिल ईस्ट सर्वर है तो थोड़ा सा MS का सिचुएशन है, कभी 20 होती है, कभी 200 होती है, कभी 300, कभी 600, तो ऐसी हो रही थी। सो यहाँ पे फिलहाल एक बंदे पे जो निशान नाम का बंदा था उस पर AWM थी मुझे याद है, सो मैंने यहाँ पे ओम उठा ली और फिर जो है सामने जो हमारे डुओ था जिससे हम फाइट कर रहे हैं तो बस उसके साथ पंगे लेना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे भी एक बंदा रिवाइव देना आया होता है, मैंने टीममेट को बोला था कि भाई इस तरफ देखो बंदा भागेगा बट वो पता नहीं कहाँ देख रहा था। सो जिसको मैंने पहले नॉक किया था M4 से वो हो जाता है रिवाइव और जो येलो सूट वाला होता है भाग जाता है। पीछे से बंदा आता है, उसने पहली थोड़ा सा रिवाइंड करोगे तो पहले उसने जो है ना बैरल की टैप फायर दे दी थी, तो हमें पता चलता है कि भाई पीछे बंदा है उसको इजी पीजी मारते हैं। यहाँ पे येलो सूट वाला बंदा भाग रहा होता है सो उन्हें रनिंग हेड शॉट देते हैं और भाई साहब ये बंदा हो जाता है नॉक और जो दूसरा बंदा होता है वो स्मोक्स करता है और मैं भाई रेडी हूँ कि भाई तुम हिलो और बस मैं तुम्हें AWM चिपकाऊँ। तो यहाँ पे जैसे वो बंदा भागता है उसको मैं शॉट मारता हूँ बट वो मिस हो जाती है और अभी देखो बंदा थोड़ा सा लेग भी हो रहा था सो बनता है इतना बंदा है। अभी यहाँ पे बंदा स्टिल खड़ा होता है कुछ सेकंड के लिए बट वो शॉट भी मिस हो जाता है, मैं समझा वो भागेगा बट वो आके एक जगह रुक गया, सो मेरी कैलकुलेशन गलत हुई ना समझ रहे। तो अभी यहाँ पे सीन गया था कि मेरा दोस्त जो है वो लेफ्ट से जा रहा है, मैं राइट से जा रहा हूँ फुल, फिर यहाँ से मैं एक नेट निकालता हूँ और बस थोड़ा सा लेट हो गया, अगर मेरा टीममेट उसे ना मारता ना तो ये ग्रेनेड मेरा एग्जैक्ट था, चेक करना ठीक है, एग्जैक्ट नेट मेरा वहाँ पटा था वो देखो एग्जैक्ट जगह पे। सो किला आप देख सकते हो कितने मिले हमें, अच्छे खासे क्राउन 5 चल रहा है, वो मेरा वो भी चुका है, एस हो चुका है। सो यहाँ पे जरा जल्दी से इमोट शिमोट मारते हैं पागलों वाला और प्लस आप चेक करो कितने मिले हैं भाई, पागलना होगा ना नाम बदलना, चेक करो भाई 71+, मतलब टीयर को तो हमने इस तरह पार कर दिया कि कोई कोई क्राउन ही नहीं। और एक था Diamond 2 की गेम प्ले थी ठीक है, Diamond 2 में पूरी सीरीज मैंने एक गेम खेली थी उसमें मिले थे हमें 80+ और जो 3 में मिले थे ना तो उसको मिला के वहाँ पे 20 पॉइंट हो गए थे, 80 मुझे यहाँ से मिला तो मैं सीधा जो है ना 1 पे चला गया था। सो उम्मीद है आप लोग गेम प्ले अच्छी लगी होगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।